चुनाव के दौरान जारी हुए एक शासनादेश को लेकर सुल्तानपुर के ग्राम प्रधानों का गुस्सा आज फूट पड़ा। प्रधानों ने आरोप लगाया कि इसी शासनादेश के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छठवें और सातवें चरण में काफी नुकसान उठाना पड़ा, लिहाजा आज प्रदर्शन कर ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर आदेश रोकने की मांग की है। साथ ही कोई कार्यवाही न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दे डाली। दरअसल बीते 20 मई को पंचायती राज विभाग के निदेशक अटल कुमार रॉय द्वारा सूबे के सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को एक आदेश भेजा गया, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड किए जाने, वर्क आईडी जनरेट किए जाने एवं कार्य के बाद भुगतान ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम के जरिए किए जाने का निर्देश दिया गया था। इस कंप्यूटर सिस्टम का संचालन विभाग द्वारा रखे गए अस्थायी पंचायत सहायक द्वारा किया जाता है। प्रधानों ने आरोप लगाया कि इन मानदेय पंचायत सहायकों को पंचायत गेटवे सॉफ्टवेयर में फेस स्कैन और क्यूआर वेरिफिकेशन को एकीकृत कर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से भुगतान के लिए अधिकृत किया गया है, लिहाजा इसी से नाराज दर्जनों ग्राम प्रधान आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और भुगतान प्रक्रिया में पंचायत सहायकों को शामिल करने की प्रक्रिया का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, प्रधानों ने आरोप लगाया कि जब देश में पांचवें चरण का मतदान हो रहा था उसी दिन 20 मई को पंचायती राज विभाग के निदेशक अटल कुमार राय ने ये शासनादेश जारी किया। इसी आदेश से नाराज ग्राम प्रधानों की बदौलत लोकसभा चुनाव के छठवें और सातवें चरण में बीजेपी प्रत्याशियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लिहाजा आज मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंप उन्होंने आदेश को रोकने की मांग की है। साथ ही कोई कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। स्ट्रीट बर्स के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। प्रधान जी, क्या नाम है? रमेश चंद शर्मा, प्रधान हयात नगर। 20/5/2024 को एक शासनादेश पंचायती राज के जो सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनके माध्यम से पूरे प्रदेश को जारी हुआ और हम लोगों को यह बताया गया कि अब आपका डोंगल जो है, आपका जो आपने जिसको नियुक्त किया है, जो आपके मातहत है पंचायत सहायक, उसके माध्यम से लगेगा। यह पूरा जो है पूरे प्रदेश में आग की तरह फैला। प्रधानों का मन जो है काफ़ी दबा, लेकिन जो प्रधान जितनी मेहनत करना चाहिए था वो किए, लेकिन उसके बाद भी इस एक्ट से उनका मन दुखी हुआ, जैसे किसी शरीर में बुखार हो जाए। और उनको ये तकलीफ हुई कि अभी तक जो है प्रधान और सचिव जो सरकारी व्यक्ति था वह डोगल लगाता था, अब सहायक लगाएगा। ये प्रधानों की जो चुनाव है उसकी बेइज्जती है। इसके तहत जो है काफ़ी नुकसान हमको लगता है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसका भी काफ़ी नुकसान हुआ। हम लोग ये चाहते हैं कि यह माननीय मुख्यमंत्री इस चीज़ को संज्ञान लें, पंचायती राज जो सचिव हैं माननीय मनोज सिंह जी, उनके माध्यम से इसको बताया जाए कि यह प्रधानों के खिलाफ गलत हुआ है और उसका खामियाजा जो है हमको लगता है लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी नुकसान हुआ और ये ऐसे आदेश को तत्काल जो है वापस लेना चाहिए। हम लोगों का अधिकार जो है वह जो अधिकार पहले था उस वही अधिकार रहे। इसका भारी नुकसान 20 और 25 और 1 तारीख वाले में दिखा लगता है। हमको लगता है कि जो है हम प्रधानों को लगता है कि ये हम लोग स्वयं तो नहीं इसको महसूस किए, चूँकि शासनादेश जब आया तो जो अभी डोगल चूँकि हम लोग वो उसी के माध्यम से लगाते थे, लेकिन काफ़ी प्रधानों में रोष हुआ कि भैया अब हम लोग जो है सांसद विधायक का अलग सुविधा है, हम लोगों का जो सुविधा है उसमें भी कटौती हो रही है। अब हम लोग काफ़ी प्रधान जो भाजपा से संबंधित नहीं थे उनका मन और भाजपाइयों का भी मन जो है खराब हुआ। रिंकू सिंह, क्या मामला है, किस मामले को लेकर? हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। ये विगत पिछले 20/5/2024 को पंचायत राज निदेशक द्वारा एक पत्र जारी किया गया, एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि अब ग्राम पंचायतों में जो भुगतान प्रक्रिया चल रही है उसको बदलते हुए इन्होंने एक नया आदेश जारी कर दिया कि अब पंचायत का जो दो स्तरीय भुगतान था उसमें इन्होंने पंचायत सहायक को
ऐड करते हुए कि अब भुगतान जो है वो पंचायत के सहायक के क्यूआर कोड से और उसके फेस रिकॉग्निशन से किया जाएगा। ये पूरी तरह से पंचायती राज एक्ट का दुरुपयोग है। शासन में बैठे हुए कुछ उच्च अधिकारी जो है वो पंचायतों के अधिकारों का कुत्सित हनन करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इसको हम प्रधानगण में इसका विरोध करते हैं। पूरे प्रदेश में हर जनपद में सारे प्रधान संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया जा रहा है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आगे चल के कार्य बहिष्कार भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अपना डोंगल संबंधित जिलाधिकारी या संबंधित अधिकारियों को सौंपने का काम करेंगे। सरकार जिससे चाहे वो काम कराए, लेकिन इस तरह बंधन में हम लोग काम नहीं करेंगे। और ये पूरी तरह से एकदम गलत निर्णय है। 20-5 जबकि आदर्श आचरण संहिता पूरे देश में लागू है, उस समय इस तरह का तुगल की फरमान जारी करना, ये कहीं ना कहीं शासन के उच्च अधिकारियों द्वारा ये नुकसान पहुंचाने की भी का प्रयास किया गया, क्योंकि इलेक्शन समय था। बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो शासन के साथ थे, जो बहुत सरकार के साथ थे, वो मुझे लगता है कि वो इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है चुनाव पर भी पड़ा है। और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह का जो पंचायती राज एक्ट को समाप्त करने की कार्रवाई चल रही है उसको रोका जाए, नहीं तो हम लोग जो है कार्य बहिष्कार के साथ साथ विशाल धरना प्रदर्शन भी करेंगे जिला मुख्यालयों के। मेरा नाम सूर्यमण मिश्र है, पेशे से अधिवक्ता, वर्तमान प्रधान तौर मऊ देहात विकास खंड दुबेपुर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। मैं सरकार से केवल इतना आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई प्रधानों को इतना क्लिष्ट न कर दे कि काम ही न कर सके, काम ही बंद हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि आप हर चीज़ पे इतनी पाबंदी, इतना पेपर लगवा दे रहे हैं कि वही खोते खोते इतना विंडो पे आप दौड़ा दे रहे हैं, वो काम क्या करेगा गांव में। आपने मनरेगा को इतना क्लिष्ट कर दिया, मनरेगा की मजदूरी में पूरे भारत में सबसे कम मजदूरी यूपी में है, 360 रुपया हरियाणा में है, यहाँ 237 रुपया कर दिए हैं आप। ये सब जो डाइवर्सिटीज़ है इसको आप ख़त्म करिए और आप इसको प्रधान के कार्यों को आप सरल बनाइए, उसको क्लिष्ट मत बनाइए। आप जितने क्लिष्ट करेंगे आप उसका नतीजा आने वाले वर्षों में आपको और अस्त दिखाई पड़ेगा। मैं और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। आप प्रधानों के कार्यों को सरल बनाने की जरूरत है, क्लिष्ट बने। आप काम की मॉनिटरिंग कराइए, आप गुणवत्ता की जांच कराइए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप प्रधान के कार्यों को, उनके भुगतान को आप उसको क्लिष्ट मत करिए। किससे मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मुलाकात अभी DM साहब से हुई है, सिटी मजिस्ट्रेट से हुई है। अब सरकार से हम लोग जाएंगे, अगर मेरी बात नहीं मानेगी कि यहाँ से आगे ऊपर जाएंगे। किसके नाम पे आपने